भारत के कर्नाटक राज्य में चल रहे हिजाब विवाद में अब पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। पाकिस्तान के मंत्रियों ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट कर कहा है कि मुसलमान लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस मौलिक अधिकार से किसी को वंचित करना और हिजाब पहनने के लिए आतंकित करना पूरी तरह दमनकारी है। दुनिया को ये समझना चाहिए कि ये मुसलमानों की घटों में रहने को मजबूर करने की भारत की योजना का हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट करके हिजाब विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। फवाद हुसैन ने लिखा है कि मोदी के भारत में जो हो रहा है वो डरावना है। भारतीय समाज अस्थिर नेतृत्व में तेजी से नीचे जा रहा है। हिजाब पहनना एक व्यक्तिगत पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी दूसरी ड्रेस को पहनने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। इससे पहले पाकिस्तान की महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई भी हिजाब विवाद को लेकर टिप्पणी कर चुकी हैं। ट्विटर पर उन्होंने एक कॉलेज छात्रा के बयान को ट्वीट किया है, जिसमें वो लड़की कहती है कि कॉलेज उन्हें हिजाब और पढ़ाई में से एक को चुनने के लिए मजबूर कर रहा है। मलाला ने लिखा है कि लड़कियों को अपने हिजाब में स्कूल जाने से रोकना भयावह है। महिलाओं को कम या ज्यादा पहनने के लिए कहना उन्हें एक वस्तु समझने जैसा है। मलाला ने भारतीय नेताओं से अपील की है कि उन्हें मुस्लिम महिलाओं की उपेक्षा को रोकना चाहिए। दरअसल कर्नाटक के उडुपी में पिछले कुछ हफ्तों से छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्राओं को कॉलेज की यूनिफॉर्म में आना चाहिए। इसके बाद इसका विरोध शुरू हो गया। बाद में हिजाब समर्थक और हिजाब विरोधियों के बीच ठन गई। हिजाब पहनने से रोके जाने पर छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है, लिहाजा उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है।